लगता है कि वो रॉकस्टार का सॉन्ग है ऐसे? तो एक बात बहुत कमेंट में आती रहती है, ये कॉपी वो कॉपी। अगर देखा जाए तो हर कोई कॉपी ही करता है, कंटेंट किसी का होता है, लेकिन हाँ उसको ट्रांसलेट आदिवासी में किया जाता है। जैसे आपको पता है रॉकस्टार ने बजाया था रिमझिम पानी, वो आप संबलपुरी सॉन्ग है, मंटो चुरिया का ही देख सकते हो आप, असीमा पांडा ने गाया हुआ है, सेम टू सेम म्यूजिक है, सेम टू सेम, उसके सिर्फ वर्ड को आदिवासी ट्रांसलेट किया है। तो हम भी वैसा ही करते हैं, जो कोई किसी का सॉन्ग होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं, मेंशन करते हैं कि भी ओरिजिनल कंटेंट इसका है, इसमें कॉपी कॉपी कुछ नहीं होता। अगर कोई टाइटल की बात करते हैं तो आपको सब पता है, नमक हलाल का टाइटल बजता है तो वो भी बॉलीवुड से ही कॉपी किया है, लेकिन कॉपी करने में भी एक मेहनत होती है। कॉपीराइट मतलब ये होता है, अगर सामने वाला का कंटेंट है आप सीधा उठा के कॉपी करके अपने चैनल पे पेस्ट करते हो तो उसे कॉपीराइट कहलाया जाता है। अपने हिसाब से बजाते हैं, ओरिजिनल म्यूजिक है उसको अपने हिसाब से बजाते हैं, अभी कवर सॉन्ग बनते हैं अपने हिसाब से बजाते हैं, उस हिसाब से अपन बजाते हैं तो वो कॉपीराइट नहीं कहलाता। और सामने का जो क्रिएटर है उसको क्रेडिट देना पड़ता है, मतलब वो पूरी तरह से कॉपीराइट नहीं होता। अगर आप बिना पूछे किसी को भी म्यूजिक इधर ले लोगे तो वो कॉपीराइट में आ सकता है। कॉपी जैसा कुछ नहीं है, हर किसी की मेहनत होती है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, कोई कॉपी कोई होता नहीं, सबकी अपनी अपनी मेहनत है। सबको लगता है कि वो रॉकस्टार का सॉन्ग ऐसे, तो वो मेरे चैनल पे 3 साल पहले वो वीडियो आ चुका है वही सॉन्ग, पर वो कैसा है, जब हमारा प्रोडक्शन नया था, हमने नए से शुरुआत की थी तो क्वालिटी थोड़ा डाउन था, तो इसे अब रिक्रिएट किया, मतलब तब से लेके अब तक ये 3 साल में हमने क्या किया है, मतलब म्यूजिक में हमारा क्या डेवलपमेंट हुआ है वो दिखाने के लिए हमने रिक्रिएट किया। कहीं से लिख हुआ होगा इसलिए उनका क्रिएशन हुआ पहले, उन्होंने डाला, उसे कोई बात नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी बना सकता है क्योंकि वो ओरिजिनल सॉन्ग तो वो सामलपुरी है, मैंने भी वहीं से लिया था उसका वाइब। अगर देखना है तो आप देख सकते हो, मंटो चुरिया ऑफिशियल चैनल है, बहुत सारे सम्बलपुरी सॉन्ग रिक्रिएट होते हैं। जैसे मैंने वो पिछले साल बनाया था नागिन डांस, वो भी मंटू चुरिया का ही है, अभी वो उसमें से मैंने आदिवासी लिरिक्स डाल के नानी गुड़ी वो भी वही एमपी में है, वही से ट्रांसलेट हुआ है। हाँ, वो बहुत सारे सॉन्ग ऐसे है जो ट्रांसलेट होते हैं, तो वो सबकी अपनी मेहनत है, बस सुनो और उसको आदिवासी लिरिक्स डाल के अपने हिसाब से पेश करो। अभी हमारी तैयारी का तो पता चल गया है, लेकिन अब